साल पर्यावरण दिवस यानी 5 जून से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत उन्होंने पूरे देश के लोगों से अपील की है कि पर्यावरण को बचाने के लिए हर इंसान अपनी माँ के नाम पर एक पेड़ जरूर लगाए और उसकी देखभाल करके उसे बड़ा करे। प्रधानमंत्री के इस अभियान का पूरे देश पर असर पड़ा है और लोग एक पेड़ माँ के नाम पर वृक्षारोपण कर रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सरकारी आवास पर अपनी माँ के नाम पर एक पौधा लगाया। योगी आदित्यनाथ ने लाल चंदन का पौधा लगाया। आपको बता दें, लाल चंदन का पेड़ काफी दुर्लभ माना जाता है और लाल चंदन की लकड़ी काफी महंगी बिकती है। लाल चंदन की लकड़ी का इस्तेमाल चंदन के अलावा संगीत के यंत्र बनाने, फर्नीचर और मूर्तियां बनाने के अलावा औषधि बनाने के लिए किया जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसी लाल चंदन का पौधा लगाया और वृक्षारोपण के बाद लोगों से इस अभियान से जुड़ने की अपील की। एक पेड़ माँ के नाम लगाने का एक अभिनव आह्वान किया है। इस आह्वान के लिए मैं प्रदेशवासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अभिनंदन करता हूं। आज उसी श्रृंखला में यह पेड़ मैंने यहां मुख्यमंत्री आवास पर लगाया है। 20 जुलाई को पूरे प्रदेश में जितनी प्रदेश की आबादी है, हर व्यक्ति के नाम पर वह अपनी मां के नाम पर वृक्षारोपण महाअभियान में हिस्सा बनकर के एक पेड़ जरूर लगाए। इसके लिए हमारे पास 54 करोड़ पौध हम लोगों ने प्रदेश की नर्सरियों में तैयार किया है और प्रदेश की नर्सरियों में ये हर प्रकार के पेड़ हैं जो पर्यावरण के लिए अत्यंत उपयोगी, पीपल, पाकड़, बरगद, नीम, देसी आम, जामुन, ऐसे ही अमरूद हैं, शीशम है, सागौन है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थियों के घर में हम लोग सहजन का एक पौधा निःशुल्क उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। सहजन गरीब के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत उपयोगी है। खास तौर पर यह इतना उपयोगी है कि अगर उसकी फली को सब्जी बना करके या सूप के साथ उपयोग कोई करे तो कुपोषण दूर करने में इसकी बड़ी बहुत अच्छी भूमिका हो सकती है। हम लोगों ने 2 वर्ष पहले भी प्रधानमंत्री आवास योजना के हर लाभार्थी के घर में एक एक सहजन का पेड़ लगाया था और काफ़ी बड़े हो चुके हैं, बहुत सारे पेड़ बहुत अच्छे हो चुके हैं। इस बार फिर उस अभियान को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे पास लगभग 55 लाख के आसपास सहजन के पौधे भी हैं। ऐसे ही अन्य पौधे भी, अलग अलग वैरायटी के, हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर लगाएंगे। हर ग्राम पंचायत से लेकर के नगर निकाय तक, पार्क तक, सड़क के किनारे से लेकर के खाली जगहों पर व्यापक पैमाने पर अभियान चलेगा। प्रदेशवासी वन महोत्सव के साथ साथ वृक्षारोपण महाअभियान के इस पवित्र अभियान का हिस्सा बनकर के पर्यावरण की चुनौती का सामना करने के लिए आगे आएगा। इस विश्वास के साथ आज एक पेड़ माँ के नाम यह कार्यक्रम मैंने यहाँ लखनऊ में किया है और मैं चाहूँगा कि हर प्रदेशवासी कम से कम ऐसे 25 से 30 करोड़ वृक्षारोपण महाअभियान के कार्यक्रम का हिस्सा बने। वृक्षारोपण महाअभियान में हम 30 से 35 करोड़ पौधरोपण का कार्यक्रम करेंगे और ये कार्यक्रम अभी से प्रारंभ होकर के 20 मार्च को इसका चरम होगा, जब रिकॉर्ड मात्रा में हम इसका वृक्षारोपण के महाअभियान के इस महाव्रत में, महापर्व में हिस्सा लेंगे ही साथ साथ इनकी देखभाल हो सके समय समय पर। इसके लिए भी जो कार्यक्रम चलेंगे, जो व्यक्ति पेड़ लगाएगा वह उसकी सुरक्षा
और उसको आगे बढ़ने की भी पूरे इस अभियान का हिस्सा बनेगा। यह एक बड़ा ही अभियान को हम लोग आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं।